जनपद शामली के कांदला कस्बे की छोटी नहर स्थित महिमा पब्लिक स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस दौरान स्कूल स्टाफ सहित दर्जनों की तादाद में नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद रहे। दरअसल जनपद शामली के कांदला कस्बे की छोटी नहर स्थित महिमा पब्लिक स्कूल में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहाँ स्कूल स्टाफ द्वारा ध्वजारोहण किया गया। वहीं स्कूल में आए दर्जनों बच्चों ने राष्ट्रीय विजय, विश्व तिरंगा और अनेक देशभक्ति गीत गाए। इस मौके पर स्कूल का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। न्यूज 9 लाइव टीवी के लिए सुनील राणा की रिपोर्ट। क्या प्रोग्राम किया जा रहा है स्कूल में? आज हम अपने स्कूल में 75वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हार्दिक उल्लास उमंग से मना रहे हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने राष्ट्रीय गान, विजय विश्व तिरंगा और अनेक भक्ति गीतों पे प्रचार करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए छोटे छोटे बच्चों के द्वारा कार्यक्रम किया गया है। मैं अपने देश के लिए और देशवासियों की तरफ से इसकी महत्वता में ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस इतना दो लाइन आपको कहूँगी जो शायद हर देशभक्त के मन से निकलती होंगी। सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नी, सागर चरण पखारे गंगा शीश चढ़ावे नीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, मेरे भारत की माटी है चंदन और सबीर, सौ सौ नमन करूँ मैं भैया सौ सौ नमन करूँ। मेरा नाम श्रीमती शमा परवीन है, मैं महिमा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य। आज सभी भारतवासियों को और जो भारत से बाहर भी हमारे देशवासी रहते हैं उन सबको अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहूँगी, क्योंकि आज़ादी में एक आँख खोलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जिन्होंने हमारे लिए इतने बलिदान दिए हैं हमसे पहले, हम उसकी सिर्फ भावना को थोड़ा सा ही व्यक्त कर सकते हैं, वो भावना तो हमारे में आ भी नहीं सकती, क्योंकि जो बंदा अंदर बंद बैठा रहता है, परतंत्रता में जीवन बिताए हैं, उन्होंने कितनी अपने कुर्बानियाँ दी हैं, उसको हम सिर्फ आज के दिन थोड़ा सा व्यक्त करते हैं और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। और मैं अपने देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, साथ में ये जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं हम इनके अंदर भी स्वतंत्रता की भावना भरना चाहते हैं, इसीलिए आज हमने छोटे छोटे सांस्कृतिक प्रोग्राम रखे हैं जिससे बच्चों को अपने देश के प्रति लगाव हो और उन्हें भी स्वतंत्रता दिवस के बारे में पता चले।